प्रदेश में इन दिनों आपराधिक मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, लड़ाई जैसे कई मामले आए दिन सुनाई देते हैं। इसी बीच एक ऐसा ही मामला जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जिसमें देवर ने अपनी भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी नगर की 6 नंबर गली में स्थित मस्जिद के पास एक देवर द्वारा भाभी की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। जब परिजन महिला को अस्पताल लेकर आए तो उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतका का नाम सोनी बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर देवर ने भाभी की हत्या क्यों की। का नाम है सोनी अब्दुल लतीफ, इसका पति का नाम है, और इसको देवर ने चाकू से मार कर हमला किया। हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, दारू पी पी के इसको मारता था, और साथ में इसकी बड़ी बहन जिसका पति को थी वो भी इसको सपोर्ट करती थी देवर को, और इसके सासू भी इसको सपोर्ट करते थे इसका देवर को, और हमेशा दारू पी पी के इसको मारता था। हमें कोई कहा आपका क्या नाम है? मेरा नाम थाना क्षेत्र में गली नंबर 6 चमानी कलर के पास में झगड़े होने की सूचना और इंजर्ड सोनी नाम की महिला घायल होकर उपचार हेतु मोतरदास मातृ अस्पताल आने की सूचना मिलने पर मैं थाना से रवाना होकर अस्पताल पहुंचा। यहाँ ट्रोमा सेंटर अस्पताल पहुंचने पर इंजर्ड सोनी देवी पत्नी रखी की मृत्यु होने की जानकारी सामने आई। पुलिस पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी लाश अभी ट्रोमा सेंटर रखी है और मोर्चरी में रखी जा रही है। फिलहाल बारे में विस्तार से जानकारी ली जाए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।